नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त क्लास सिक्स के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं क्लास सिक्स के एनवायरनमेंट एंड साइंस यानी कि परिवेश और विज्ञान के सिलेबस की चर्चा करूँगी। इसमें मैं फर्स्ट समेटिव से लेकर थर्ड समेटिव तक यानी कि फर्स्ट समेटिव, सेकंड समेटिव और थर्ड समेटिव का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी परीक्षा के लिए हम एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवेश और विज्ञान एनवायरमेंट एंड साइंस क्लास सिक्स का यह सिलेबस है जिसमें ये फर्स्ट समेटिव, ठीक है, फर्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन है जिसमें सबसे पहले आ रहा है अध्याय एक यानी कि चैप्टर वन, परिवेश और सजीवों की पारस्परिक निर्भरशीलता, ठीक है, ये फर्स्ट लेसन है। और उसके बाद सेकंड लेसन हमारे आसपास की घटनाएं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर तत्व, यौगिक और मिश्र पदार्थ, यानी कि आपके फर्स्ट समेटिव के एग्जाम में चैप्टर वन, टू और थ्री, ये तीन चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर इसके बाद हम सेकेंड सेमेटिव की बात करें, सेकेंड सेमेटिव में हम लोग मुख्य रूप से चैप्टर फोर, शिला और खनिज पदार्थ, चैप्टर फाइव, माप तोल या परिमाप, चैप्टर सिक्स, बल और ऊर्जा की प्राथमिक धारणा, और चैप्टर सेवन, तरल और गैसीय पदार्थ की स्थिति और गति, चैप्टर एट, मनुष्य का शरीर, यानी कि सेकेंड समेटिव में हम लोग चैप्टर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, ये पांच चैप्टर्स की तैयारी करेंगे। थर्ड समेटिव की बात करें, थर्ड समेटिव में हम लोग प्रीवियस यानी कि जो फर्स्ट समेटिव में पढ़े हैं चैप्टर थ्री वो भी पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक एवं मिश्र पदार्थ, चैप्टर फाइव जो हमने सेकेंड समेटिव में पढ़ा है माप तौल या परिमाप, चैप्टर सिक्स ये भी हमने सेकेंड समेटिव में ही पढ़ा है बल और ऊर्जा की प्राथमिक धारणा, क्योंकि ये आपको पता है थर्ड समेटिव है, फाइनल एग्जाम है, लास्ट परीक्षा है, इसके बाद आप क्लास सेवन में चले जाएंगे, तो इसमें पूरे बुक से ही कुछ कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट समेटिव से चैप्टर थ्री वाला आ रहा है, सेकेंड समेटिव से चैप्टर फाइव और चैप्टर सिक्स आ रहे हैं। थर्ड समेटिव में तो पढ़ना है हमें लेसन नाइन, सरल यंत्र समूह लेसन टेन, जीवों की विचित्रता एवं श्रेणी विभाजन चैप्टर 11, कई विशेष प्राणियों के वास स्थान और स्वभाव, और चैप्टर 12 वज्य पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नए लेसन है थर्ड समेटिव के लिए, जो नए लेसन है वो है चैप्टर 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये हमारे नए चैप्टर्स हैं। थर्ड समेटिव में हमने क्या देखा कि थर्ड समेटिव में प्रीवियस चैप्टर्स यानी कि पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें से लेसन थ्री, इसके अलावा लेसन फाइव, लेसन सिक्स आ रहा है, और थर्ड समेटिव में जो हमें नए चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है 9, 10, 11, 12। तो ये हमारा एनवायरमेंट एंड साइंस यानी कि ईवीएस का सिलेबस है क्लास सिक्स का। ये पढ़कर आप जो है अपनी तैयारी को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के सर या मैडम जो है वो आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे, वो चाहे तो इसमें से कोई चैप्टर्स कम या अधिक भी कर सकते हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु ये बोर्ड के द्वारा बताया गया सिलेबस है कि ये पाठ एग्जाम में देने होंगे, ठीक है। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी और आपको ये तैयारी करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।